आज ये मतलब 12,000 मेरे फैन है, 5 लाख मेरे लाइक्स है, तो यहाँ तक जाने के लिए बहुत मतलब स्ट्रगल किया मैंने, और अब डायरेक्ट जा रहा है तो बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। यूज़ करती थी बहुत अच्छे से, मतलब कैसा लगता था आपको टिकटॉक? माल दिखती थी लगता था। Hey, what's up, fam? This is Romeo Godbole and welcome back to your game, my YouTube channel. Alright guys, जैसे कि आप लोगों को पता है कि TikTok इंडिया में पूरी तरीके से बैन हो चुका है, तो वही गाइस हम लोग नागपुर के पुताला में आ चुके हैं कि लोगों का व्यू जानते हैं, और गाइस चलते हैं देखते हैं, लेट्स गो। यस गाइस, हम लोग नागपुर के पुताला लेक पे आ चुके थे और पब्लिक को पूछते हैं, तो आपको क्या लगता है कि TikTok बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे लड़की को क्या बोलना चाहोगे जो मेकअप करके जो TikTok बनाती थी, जो अभी उनको अभी क्या करेंगे वो? कुछ नहीं, वो नॉर्मली वीडियो बना सकते। जरूर अभी अभी आज जैसा अभी टिकटॉक बंद हो चुका है, वो फिर आप कौन से ऐप पे यूज़ करोगे टिकटॉक? लाइक ऐप है, है और बट टिकटॉक में ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, वो बंद होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि टिकटॉक बंद हो चुका है, इंडिया में पूरी तरीके से बैन हो चुका है, तो आपको क्या कहना है टिकटॉक? तो आंटी आप स्माइल दे सकते हैं, हम लोग अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो हम लोग इनको भी पूछते हैं कि टिकटॉक अपनी, आपको पता है कि टिकटॉक मद्रास हाई कोर्ट ने उनको बैन कर दिया पूरी तरीके से, तो आपको क्या लगता है कि टिकटॉक बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़कियाँ लड़कियाँ उसके अंदर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए होना चाहिए। और आप भी 13 to 18 एज में भी यूज़ करते थे, उनको बैड इफेक्ट पड़ता था कि ये सेक्सुअलिटी पे और वर्कल? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ रहा है कोई कोई लोग उसको दो तरीके से देखते हैं, तो कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रही है। तो आपको लगता है कि बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए एक तरीके से। और आप उन लोगों को क्या मैसेज दोगे जो लड़की टिकटॉक पे मेकअप करके टिकटॉक बना देती है लिपस्टिक लिपस्टिक और समथिंग, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अट्रैक्शन करके बोलो लड़कियाँ, तो अट्रैक्शन करती है लड़कों की तरफ, इसलिए और पबजी बैन हो गया तो आपको क्या लगे? अभी पबजी बैन नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए पबजी बैन। तो पबजी मैं भी यूज़ करता हूँ, और अभी पबजी का 6 आवर्स कुछ तो लिमिट हो चुका है, 6 आवर्स अभी गवर्नमेंट ने उस पर भी बैन हो जाएगा अभी पबजी, तो पबजी के क्या आप करेंगे? नहीं, पबजी बैन होना ही चाहिए, क्या करेंगे? तो यस गाइस, पबजी बैन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पबजी मैं भी खेलता हूँ तो बैन नहीं होना चाहिए। तो यस गाइस, आप लोगों को पता है कि टिकटॉक इंडिया ने अपने तरीके से बैन कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि टिकटॉक बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? पबजी बंद नहीं कर रहा, टिकटॉक बंद कर रहा, टिकटॉक बंद है, गर्ल्स के लिए टिकटॉक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, तो टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए आपका ये? हाँ। आपको पता है कि मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक से बैन कर दिया, तो आपका क्या उस पर क्या जवाब है? टिकटॉक बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो भी ट्राई करना चाहते हैं मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मतलब जिनको उनको मतलब चांस नहीं मिलता है, तो टिकटॉक से खुद का अलग से फेम बना रहे थे, मतलब पब्लिसिटी मिल रही थी, तो मतलब कहता है छोटे मोटे एक्टर तो उनका सब कुछ बंद हो गया। एग्जैक्टली, वो इसलिए वो है जो आपको लगता है टिकटॉक बंद नहीं हो रहा है, तो आप उस उन लड़कियों के बारे में क्या बोलना चाहते हो जो मेकअप करके टिकटॉक के सामने मतलब वीडियोज़ बनाते थे, उनके बारे में आप क्या बोलते हैं? क्योंकि एक अच्छा था, मतलब रियल में खूबसूरत लड़के देखने मिलते थे, वो टिकटॉक पर मिल रहे थे, तो बंद करा दी सरकार ने, क्या बोली सरकार को? एग्जैक्टली, टिकटॉक पे ऐसा भी सीन हो रहा था कि 13 to 18 के एज में जो बच्चे थे तो टिकटॉक पे मतलब गलत वे में जाते थे, मतलब सेक्सुअलिटीज़ होती थी उसमें और मतलब वर्गलिटीज़ होती थी, तो आप उनके बारे में मतलब क्या क्या बोलोगे? बच्चों को थोड़ा गाइडेंस देना चाहिए था, बट अच्छी बात थी, बच्चों में टैलेंट जो रहा था वो उभर के निकलता है, तो अच्छी बात होती है, बच्चे जो एक्टिंग करते उस पर ये करते जो पढ़ाई में नहीं रहते जैसा, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में रहते ना एक्जैक्टली, तो अच्छी बात होती है। तो आप क्या बोलना चाहोगे टिकटॉक के लिए? मतलब बैन नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग थे जो मिस यूज़ कर रहे थे टिकटॉक की, उनकी आईडी से उसको क्या बोलते हैं मतलब ब्लॉक कर देनी चाहिए थी उनकी आईडी, बस काफ़ी लोगों के लिए फनी था, जो घर पे बैठ के जो मूड अपसेट होता था काफ़ी फ्रेश हो जाता था मूड देख। एग्जैक्टली, तो टिकटॉक मतलब उन्हीं लोगों को जो प्रमोट करते थे कि जो गंदे गंदे मतलब वर्गल लेडी को उनको प्रमोट करते थे, तो अभी क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? टिकटॉक मेरे हिसाब से चलने देना चाहिए, लेकिन जो लोग मिसयूज कर रहे हैं उनको एक बार थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, यूज़ कर वर्किंग करके उनका अकाउंट, जैसे यूट्यूब पे होता है कि आप किसी का कंटेंट लेते हैं उनको ब्लॉक कर देते, वैसे ही होना चाहिए। तो आपको लगता है कि टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए? ब्रदर, आपको पता है कि टिकटॉक अभी बैन हो रहा है, तो आप टिकटॉक पे क्या मतलब बोलना चाहोगे कि बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और आप टिकटॉक यूज़ करते थे? बहुत अच्छे से, मतलब कैसा लगता था आपको टिकटॉक? माल दिखती थी लगता था टिकटॉक आपको पसंद था मतलब? तो कैसा लगता था आपको, मज़ा आता था टिकटॉक देख के? बहुत मज़ा आता था। क्या क्या देख के मज़ा आता था? वो डांस करते थे। कौन करता था? लड़की लड़के। वो मज़ा आता था आपको? आपको पता है कि वहाँ पे गंदे गंदे चीज़ें भी होती थी टिकटॉक पे, जो
तो वो कैसा लगता था आपको देख के? वो अच्छा नहीं लगता था। अच्छा नहीं लगता था, फिर भी देखते थे ना आप वीडियोस? नहीं, वो हटा देता था। हटा देते थे फिर भी देखते थे ना आप? नहीं देखता था। नहीं देखते थे आप वीडियोस? गंदे चीज़ नहीं देखते। तो आपका अकाउंट था टिकटॉक पे, आप टिकटॉक यूज करते थे ना? हाँ, मेरे पास मोबाइल भी है। ओके, देखो गाइस, जो छोटे छोटे बच्चे भी टिकटॉक यूज़ करें। आपकी एज क्या है बेटा? 12 ईयर्स का बच्चा भी टिकटॉक यूज़ करता था गाइस। तो गाइस आप लोग टिकटॉक ऐसे तरीके से यूज़ मत करो, मतलब ऐसी चीज़ें वायरल मत करो कि जो वहाँ पे सेक्सुअलिटीज़ होते थे वो गंदे गंदे चीज़ें भी होते थे, वो ऐसी चीज़ें आप वायरल मत करो। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी मतलब बिगड़ रहे हैं, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि टिकटॉक पे। तो आप और क्या बोलना चाहोगे, आप टिकटॉक बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं बंद होना चाहिए? मज़ा नहीं आएगी, टाइम पास नहीं होगा। टाइम पास नहीं होगा इसलिए टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए ना। गाइस हम लोग अभी बात करेंगे अमोल भैया से, अभी मेरे साथ में है। तो ब्रदर आपको पता है कि अभी टिकटॉक बंद हो चुका है, तो आप टिकटॉक के बारे में क्या बोलना चाहोगे? भाई यार बहुत बुरा हो गया, मैं बता रहा ना, एक फैन बनने के बाद, एक फैन बनने के बाद जो फीलिंग रहती है ना, अलग ही है। अब बहुत सारे लोग हैं जो फैन अच्छे से, मतलब ठीक है, स्टार्टिंग में 5-5 बार, 3-4 6-6 बार शूट किया, फिर जाके वीडियो मतलब बना मेरा। तो आज ये मतलब 12,000 मेरे फैन है, 5,00,000 मेरे लाइक्स है। तो यहाँ तक जाने के लिए बहुत मतलब स्ट्रगल किया मैंने, और अब डायरेक्ट जा रहा है तो बुरा हो रहा है, बहुत बुरा इसलिए होना चाहिए। पर जो ऐसा भी हो रहा था कि जो 13-18 के बीच में भी मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे जो मतलब टिकटॉक यूज़ करते थे। अभी मैंने एक छोटे से बच्चे से बात किया, तो वो मतलब 12 ईयर का ही था, तो वो भी छोटा सा बच्चा था, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता था कि मतलब जो गंदे गंदे चीज़ें होते थे आप पर, वो जो छोटे बच्चे थे उन पर भी बैड इफेक्ट पड़ता था। तो वो उस पर क्या बोलना चाहिए? सही है, मतलब जो वायरल होना चाहिए था, वो जो टैलेंट वायरल होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। बलगर चीज़ें, आड़े टेढ़ी चीज़ें, बहुत मतलब ख़राब ख़राब जो डाउन मतलब ग्राउंड लेवल पे है, वो मतलब वायरल हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी। जो मेन टैलेंट है, अब जब भी मैं बता रहा, बहुत सारे ऐसे लड़के जिनके बहुत अच्छा टैलेंट है मतलब, फिर भी वो वायरल एक्सैक्टली ऐसा कुछ निकालना चाहिए उन्होंने उसमें सोल्यूशन, कि मतलब जो वल्गर चीज़ें हो रही है, गंदी चीज़ें हो रही है, उस पर कुछ करे, वो रिस्ट्रिक्शन लगाए उस पर। जैसे अभी पबजी के लिए लगाया है, और उसके लिए सिर्फ चला रहे, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, मतलब जो वल्गर चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। अच्छे लोगों का जो टैलेंट है वो निकल रहा है, निकल देना चाहिए। आपने भी 12 के कैसे की होगी, मेरे को भी पता है, क्योंकि मतलब कोई भी अपन सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, जी जान डालते थे और पूरा अपना जो ये है पूरा दे देते हैं उन पर। जैसे आप डाल रहे हैं अभी अपनी जी जान, मेरे को पता है भाई, लेकिन मैं बता रहा ना, नहीं होना चाहिए बैन, और जो वल्गर चीज़ें वो हटानी चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, बस इतना ही बोलूँगा, बाकी कुछ नहीं बोलूँगा। अगर बंद भी किया, वो चाइना वाला ऐप है, वैसे बोल रहे थे कि चाइना वाला ऐप है, अगर ये अगर निकाल भी देते हैं तो इंडियन ऐप बनाना चाहिए उन्होंने कोई अच्छा ऐसा सेम ऐसा होना चाहिए। तो ब्रो आपका मैसेज क्या रहेगा भारत सरकार के लिए, और जो जो गंदे गंदे चीज़ें यूज़ करते थे उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज ये रहेगा कि जो गंदी चीज़ें बना रहे हैं, जो वल्गर चीज़ें बना रहे हैं, उनके लिए पहले तो बात, ये वल्गर चीज़ें सोशल मीडिया में नहीं डालनी चाहिए, जो आप डाल रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं बच्चों पे, छोटे बच्चों पे, मतलब मतलब अगर अपने समाज में सोशल में बहुत उसका बैड इफेक्ट जा रहा है, जो नहीं फैलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो टैलेंट दिखा रहा है वो टैलेंट स्प्रेड नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। और सरकार से ये बोलूँगा कि सरकार प्लीज़ वो बंद ना करे, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए कुछ, ऐसा ही बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। और मैं खुद भी एक टिकटॉक सेलिब्रिटी हूँ भाई, बंद नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलूँगा बस रिस्ट्रिक्शन। थैंक यू सो मच ब्रो, आपसे बात करने में मज़ा आया, और बहुत सारी ब्रो मैं बेस्ट विशेष करता हूँ कि टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, और आपका भी मतलब जो प्रोफाइल है वो चलना चाहिए। और मैं बोलना चाहूँगा जनता से कि मेरा अमोल भाई नाम से टिकटॉक का है अकाउंट, प्लीज़ ओपन कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे। गाइस अगर टिकटॉक बंद नहीं होता है तो अमोल बहिरे टिकटॉक पे है, तो उनको फॉलो करो, आप देखो उनकी वीडियोस, और ये बहुत इंस्पायर है, मैंने भी खुद देखा है इनके प्रोफाइल, अभी देखा है मैंने। तो गाइस इनको जाके फॉलो करो और इनका फैन फॉलोइंग बढ़ाओ, तो वही इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। और मेरा मेरे चैनल के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आपके चैनल के बारे में बोलना चाहूँगा, पहली बात तो मैं इनसे मतलब मुलाकात हो गई मेरी, ये डांसर है, ब्लॉगर है, मतलब ये ऐसे वीडियो बनाते, तो इंस्पायरिंग है बहुत, मतलब स्ट्रगल किया वो बंदा है, इसके बारे में मैं जानता हूँ, खुद पर्सनली जानता हूँ, बस स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा। सो गाइस जिसको ऊपर उठाना है, मेहनत कर रहा है, उसका मेहनत का उसका फल मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसका सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मत भूलो, 100 वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना है गाइज। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका व्यू क्या है, जो टिकटॉक बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बन रहे हैं जिनका घर बार चल रहा है टिकटॉक पे, तो गाइज आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज पबजी भी बंद हो रहा है तो उस पर भी आप कमेंट करके नीचे बताओ कि बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
हे ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस आप लोगों को टिकटॉक का क्या व्यूज है वो कमेंट करके जरूर बताना। तो वही गाइस, होप यू गाइस लव दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लव यू ऑल एंड पीस आउट।